वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं, कार्मिक कृत्य कर्मों का चैनल है। यहाँ पर हम बात करते हैं अकल्ट साइंस की, ज्योतिषी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, इवन आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, संसारिक जीवन से रिलेटेड हो, चाहे आपके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हो, आपके चाहे आपके व्यापार से रिलेटेड हो, उन सभी समस्याओं का समाधान हम आपके पास लेकर आते हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल का नाम ही कार्मिक कृत्य है और जिसपे हम कर्मों पर भी बहुत जोर देते हैं, इसी तरह हमारे पास एक कर्म योगी आए हैं जो कर्मों में बिलीव करते हैं, सागर कसेरा जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनके पास हमारे शास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। ज्ञान क्या मैं ये कह सकती हूँ, उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो वेलकम टू माय शो सर। थैंक यू विदही मैम। हाँ जी, एंड आई एम सीरियसली फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड ग्लैड कि आपने मुझे अपने शो कार्मिक कृत्य पर आमंत्रित किया, और जिन शब्दों से आपने मुझे संज्ञाएं और उपमाएं दे दी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से शायद कहीं भी मैं ठहरता नहीं हूं। लेकिन मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि आपने अपने शो पर अपनी कमाल की ऑडियंस के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया यहां पर। थैंक यू सो मच सर कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। पहले तो जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि कार्मिक कृत्य एक पूरा अकल्ट से रिलेटेड चैनल है। यहाँ पर हम धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं। धर्म से, अब धर्म की बात करेंगे तो अधर्म की बात भी आएगी, और कर्म की बात करेंगे तो बाकी सब भी आएगा। तो हमारी जो ऑडियंस है जो बिलीव करती है कि हमारी ज्योतिष साइंस जो है वो काम करती है, हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मानती हूँ क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ और कृष्ण जी हमेशा कर्मों को उन्होंने सर्व परी रखा है कि आप अगर कुछ भी चाहते हैं तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जहां तक मैंने भगवत गीता, मैं नहीं कहूंगी मैंने इन डेप्थ पढ़ी है, लेकिन जितना मैंने भगवत गीता को समझा है उसका सार ही कर्म है। कि अगर आप जीवन में जो भी चाहते हैं आप उसके लिए कर्म तो कीजिए। अब हमारी ऑडियंस क्या करती है, एस्ट्रोलॉजिकल सारी चीजें देखती है, ज्योतिष विद्या से रिलेटेड चीजें देखती है, वास्तु भी घर पे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म नहीं कर रही है। तो कर्मों के बारे में आपका क्या कहना है? आपने क्योंकि शुरुआत ही हमारे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट और कन्वर्सेशन की कार्मिक कृत्य पर कर्म से आधारित की है, तो भगवद गीता का बहुत ही प्रचलित श्लोक है, आप सबने सुना ही होगा, और मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमि माते संगोष्ठव कर्मणि। श्लोक यही सिखाता है कि आप जीवन में अपने कर्मों पर यदि आधारित हैं तो आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में प्राप्त होंगे। अगर आप कर्म प्रधान जीवन को कर्म आधारित योग यानी कर्म योग पर आधारभूत होकर के प्रतिस्थापित करने पर आप आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे काम न सिर्फ सफलता को प्राप्त होंगे बल्कि आप उन्नति प्रगति सब कुछ करेंगे। अब क्योंकि ये सवाल है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, अकल्ट साइंस और भी मंत्र, वैदिक जादू, टोने टोटके या ये सब कुछ क्या ये काम करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में प्रकृति भी आपके लिए काम करेगी बशर्ते जब आप काम करेंगे। यदि हम काम करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ काम करना शुरू करता है। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण से शुरुआत हुई तो मैं इसी बात को आपको लेके जाता हूँ महाभारत काल खंड में, उस स्टेज पर, उस मंच पर जहाँ अर्जुन विचलित हैं, अर्जुन अपना नीचे रखा गांडीव नहीं उठा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को उन्हें भगवद गीता का अनुपम अद्भुत ज्ञान देना पड़ा। अब जब भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं तो वो ज्ञान तीन लोग सुन रहे हैं। वो ज्ञान सुन रहे हैं अर्जुन, वो ज्ञान देख करके ड्राइव कर रहे हैं एज इट इज जिसका वाचन हम कह सकते हैं कर रहे हैं संजय, और उस ज्ञान को सुन रहे हैं धृतराष्ट्र। अब भगवत गीता की शुरुआत ही होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो कौन कह रहा है? श्री कृष्ण नहीं, धृतराष्ट्र कहते हैं संजय को कि हे संजय तुम बताओ इस धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया कि इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के डिफरेंशिएशन, अंतर तो धृतराष्ट्र ने यहां से कर दिया कि मेरे और पांडवों के, पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है मुझे बताओ। अब ये देख रहा है संजय, सुन रहे हैं धृतराष्ट्र और उसका वाचन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और अर्जुन वहां खड़ा है। तीन लोगों को भगवद गीता समझ में आ रही है, लेकिन इन तीनों के लिए भगवद गीता का मतलब अलग 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 है।
तो एक बात तो यहाँ से भी स्थापित होती है, पीपल सी व्हाट दे प्रिपेयर टू सी, पीपल लिसन व्हाट दे प्रिपेयर टू लिसन. लोग वही सुनना समझना चाहते हैं जो सुनना समझना चाहते हैं. अगर इसे हम यूं कहें कि लोगों को वही बातें ज्यादा समझ में आती हैं, ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो उनके मन में उन्होंने अपने आप में ऑटोमेटिकली एक एंगल दिया हुआ है अपनी पॉइंट को. साइकोलॉजिकली इसे हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस्ड होना, यानी कि मैंने अपने मन में ऑटोमेटिकली किसी एक चीज को कंफर्म कर रखा है, अब मैं रेफरेंस पॉइंट खोजूंगा उस चीज को रिकन्फर्म करने के लिए, चाहे वो मुझे कहीं से भी मिले, और जहां भी मुझे जो एंगल दिखाई मिलेगा मैं उस एंगल को, उस पॉइंट को फ्लट करके एक ही बात बोलूंगा, देखो मैंने तो कहा था ना ऐसा हुआ. तो एक बहुत तथ्यात्मक स्टोरी है, फनी है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार एक बेवड़ों का सेमिनार हो रहा था. अब बेवड़ों का सेमिनार था तो उसके अंदर जो उनके ऑरेटर थे वो ये समझाना चाहते थे कि आपको ये शराब क्यों छोड़नी चाहिए. वो उदाहरण देने के लिए सामने बैठे समस्त महानुभावों के बीच जो कि पियक्कड़ थे, उन्होंने एक गिलास में दारू ली. अब उस दारू वाले गिलास में उन्होंने कुछ कॉकरोचेस डाल दिया. अब उनको डेमो दिया, डेमो में पाया गया कि थोड़ी देर के बाद वो कॉकरोचेस उसके अंदर नहीं थे, यानी मर चुके थे. अब वो गिलास दिखाते हुए उन्होंने पूछा कि अब आप बताइए इस गिलास में मरे हुए कॉकरोचेस को देखकर आपने क्या सीखा. उन्हीं में से किसी बेवड़ों में से एक महानुभाव को उठाया गया, पूछा गया भाई साहब आपने क्या सीखा, तो वो जवाब क्या देते हैं, मैं समझ गया जी आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया कि दारू इतनी कमाल की चीज है कि इसे पीने से पेट के अंदर के सारे कीड़े मर जाते हैं. सो दिस इज व्हाट, अपना मतलब निकाल लिया उन्होंने. पीपल सी व्हाट दे प्रिपेयर टू सी एंड पीपल लिसन व्हाट दे प्रिपेयर टू लिसन. सिमिलरली वो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता जब अर्जुन को सुना रहे हैं, संजय भी सुन रहा है, लेकिन उसका पर्पस पर्सपेक्टिव है इधर से सुनना और इधर दे देना. हम में से 90-95% ऑफ द पीपल ऐसे ही करते हैं, उनके सराउंड में कुछ भी अच्छा चल रहा होता है वो एक कान से सुनते हैं, दूसरा रखा उन्होंने इसलिए कि यहाँ से बाहर कर दें. कुछ भी अच्छा देखते वक्त वो गांधी जी के बंदर बन जाते हैं, अच्छा दिखाई नहीं देता क्योंकि उनको देखना वही है जो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव सेट किया हुआ है. अब जब उसे धृतराष्ट्र सुन रहे हैं आंखों पर पट्टी बांधे हुए, वो धृतराष्ट्र जो जिन्हें दिखाई नहीं देता कानों से सुन रहे हैं, लेकिन उनके लिए उसका मकसद सिर्फ एक है कि मेरे बच्चे की जीत होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो दृष्टिकोण सच जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे मानना नहीं है क्योंकि वो उनके फिलोसफीज में से नहीं आता है. अब एक है अर्जुन, जो अर्जुन कंफ्यूज हैं. अब वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रश्न पूछने में घबराते नहीं है, वो योग योगेश्वर कृष्ण से सवाल पूछते हैं. तो मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि तर्क करने में डरना घबराना नहीं है, क्योंकि वो तर्क आपकी बुद्धि के तारों को खोलता है, वो तर्क आपको दिशा देता है. सनातन का मकसद कभी भी ये नहीं है कि सनातन आपको ब्लाइंड फेथ करना सिखाए, सनातन कभी भी चिल्ला चिल्ला के ये बोलना नहीं सिखाता कि मेरा ईश्वर मेरा परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और तुम उसकी पूजा करो. सनातन आपको यह तर्क करना सिखाता है कि आप उस बात के पीछे छुपे विज्ञान को समझो, उसे महसूस करो, उसे अपने ज्ञानानुरूप उसे प्रयास करके प्रयत्न करके देखो और फिर उस पर विश्वास करो. दिस इज ऑल अबाउट द आई ओपनिंग सेशन जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और उसके हर तर्कों का उन्होंने बहुत खूबसूरती से जवाब भी दिया. अब बात कर्म की है तो कर्म के बिना इस संसार में, इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है. छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं जी, अगर आपको भोजन करना है आप दुनिया का महान से महान मंत्र पढ़ करके आप खाना ग्रहण नहीं कर सकते. भोजन को मैनिफेस्ट तो कर सकते हो लेकिन वो भोजन करने के लिए आपको उसे उठा करके खाना ही होगा. दिस ऑल अबाउट द कर्मा, एक सिंपल सा ये मैंने आपको एग्जांपल दिया. सिमिलरली हर परिप्रेक्ष्य में, हर पाथ के लिए, आपकी मंजिलों तक पहुंचने के लिए, जहां जाना चाहते हो वहां जाने के लिए प्रयास तो करने होंगे. सर बहुत ही अच्छा डिफाइन किया आपने, जैसे आपने बताया कि गीता, भगवत गीता मतलब कहीं ना कहीं जीवन में सब
बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, और सबका गीता पढ़ने का और समझने का तरीका ही अलग है. yes. कौन किस तरीके से समझ रहा है. आपने मुझे 3 एग्जांपल दिए कि श्री कृष्ण सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, ठीक है, उसको आगे संजय जी ट्रांसफर कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी को. तो सबने अपने अपने मतलब अपने अपने कर उन्हें जो भी जीवन में करना है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भगवद्गीता के महत्व को समझा है, उसके सार को समझा है. तो मैं इसी भगवत गीता के अंदर ही बात करूंगी कि लोग कहते हैं कि भगवान तो कह रहे हैं कि मोह माया से मुक्त हो जाओ, मतलब एक तरह का संन्यास ले लो. जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब मैं शुरू में पढ़ रही थी मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ सब चीज़ों से दूर जाने के लिए कह रहे हैं कि जब हम संन्यास ले लेंगे, मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, तो हम कर्म क्यों करें, कर्म क्यों ज़रूरी है. फिर कहीं ना कहीं मुझे समझ आया कि अगर हम सन्यासी भी हो जाते हैं, सन्यास ले भी लेते हैं, लेकिन जो सन्यासी भी होता है वो भी तो कहीं ना कहीं कर्म कर रहा है. इवन वो भगवान का भजन भी कर रहा है, वो भी एक कर्म है. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, और वो अपने पेट भरने के लिए अगर भिक्षा भी मांग रहा है तो वो भी एक कर्म है. तो हमारी ऑडियंस इस बीच में बहुत कंफ्यूज होती है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भगवान हमें अपने आप ही सब दे देगा ना, हम क्यों करें. तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये प्रैक्टिकली एक अवधारणा है कि जब हम उस भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं तो फिर मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है. तो ये बात फैक्टेड भी है कि जब सब कुछ करना भगवान को ही है ना, तो फिर हमें कुछ करना ही क्यों है, फिर हम क्यों कुछ हम करें. एब्सोल्युटली फाइन. ये एक तरह से विचार उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो स्वभाव से कम्फर्ट जोन के आदि हो चुके हैं. अगर आप इस बात को मानते हैं तो कृष्ण भगवान का अपना स्वयं का संपूर्ण चरित्र कर्म आधारित चरित्र है. उन्होंने अपने जीवन में जन्म लेते ही कर्म स्टार्ट कर दिए, चाहे कारागार में जन्म लेना हो और वहां से यशोदा अपनी माँ के पास, जो उनके पालने वाली माँ थी, अपनी एक्चुअल माँ को छोड़ करके नंद ने यशोदा के पास जी के नंद ने उन्हें उसी रात में यशोदा मैया के पास ट्रांसफर कर दिया. और वहां पहुंचे, ठीक से गांव को देखा भी नहीं होगा कि पूतना उनके इंतजार में तैयार खड़ी थी. थोड़े वो बड़े हुए नहीं कि कालिया जैसे नाग का उनको दमन करना पड़ा. लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के हर कर्म में इस बात का बहुत बड़ा लेसन और मैसेज छुपा है कि भक्ति योग आवश्यक है, और भक्ति योग भी तब आपके जीवन में काम करता है जब आप कर्म योग पर अपना पूरा भरोसा आप रखना शुरू करते हैं. अर्जुन भी तो इस बात पर कंफ्यूज था. अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु जब भक्ति ही है तो फिर मुझे ये करने की जरूरत क्यों है, मुझे क्यों ये युद्ध करना है. मैं भक्ति ही कर रहा हूं, मुझे सब अपने आप प्राप्त हो जाना चाहिए. यस. तो इसी बात के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूरा भगवद गीता का ज्ञान सुनाया. अब चूंकि आपने एक बात और बोली कि भगवद गीता पढ़ते बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमारे सनातनियों में भगवद गीता रखते ऑलमोस्ट लोग हैं. हर व्यक्ति के घरों में होती है, हम उसका हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, कुछ लोग आरती भी करते हैं, सर पे मत्था लगाते हैं. अब आप एक बात सोचिए कि आपका ये बिलीव है कि भगवद गीता को पूजने से, आरती करने से या उसे मानने से जीवन में बदलाव आएगा, तो आप सोच के देखिए कि पढ़ने से कितना सकारात्मक बदलाव आएगा. तो उस बात को एज इट इज जैसी कही गई, यदि आप उसे वैसे समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा. इसी बात से एक बात याद आती है. उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, और उद्धव और कृष्ण संवाद में एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब अपने ग्राम से मथुरा वृंदावन से जब लौट रहे थे तो उनके आंखों में ब्रजभूमि से लौट रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे. कृष्ण को रोते हुए देखा. उद्धव जानते थे कि कृष्ण योगेश्वर हैं, योगों को अपने सब योगों के अधिष्ठाता हैं, सब योगों पर रूल करने वाले एक देवता है और स्वयं नारायण है. तो नारायण का ये रूप, ये रो रहा है. तो भगवान को उद्धव बोलते हैं, प्रभु मैं मुझे ब्रह्म ज्ञान है, रोना क्यों होता है, आपके आंसू क्यों है. तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं, उद्धव तुम ऐसे नहीं समझोगे, एक बार या बात समझने के लिए तुम जरा ब्रजभूमि हो आओ. अब जब वो ब्रजभूमि गए तो वो कृष्ण भगवान का वेश बना के गए, कृष्ण बन के गए. अब जब वो ब्रज गए तो वो जाकर हैरान हो गए, उनका रोम रोम कांप उठा कि ब्रज की भूमि का कंकर कंकर, ब्रज की भूमि के पेड़, उनके पत्ते, हर चीज में से आवाज आ रही है, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा. तो वो हैरान है, वहां गोपियों को देख रहे हैं
पूर्ण समर्पण भाव से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, कृष्ण में रमी हुई हैं, उनकी आंखों से आंसू, गोपियों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, गोपियां उस मदमस्त होकर के कृष्ण की भक्ति के लिए पागल हो चुकी हैं। अब आप सोचिए, आज के दौर में एक पति की पत्नी यदि किसी और के लिए समर्पित है या पागल है, तो क्या उसे इज्जत मिलेगी, उसे सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस कालखंड में जब इतनी गोपियां पारिवारिक परिवार होने के बावजूद भी वो जब भगवान कृष्ण पर समर्पित थी, तो उनके लिए कभी ऐसी कोई बात नहीं उठी, बल्कि उन्हें उनके ग्राम में, व्रज में और ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि वो भक्ति कर रही थी और वो भक्ति उस परमेश्वर की भक्ति थी, उस नारायण की भक्ति थी। वे गोपियां जानती थी कि जिससे हम, जिसकी भक्ति में हम लीन हैं, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। उन्हें इस बात का ज्ञान था और उस ज्ञान से निकली भक्ति उनके लिए वो कर्म योग में स्थापित हो चुकी थी और वो अपने जीवन को, जीवन मृत्यु के क्रम को कंप्लीटली उससे छूटना चाहती थी, इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से उनकी भक्ति में लीन थी। तो ऐसा भक्ति का वातावरण जब किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के समकक्ष होता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। और ये हमारे योग योगेश्वर नारायण स्वयं श्री कृष्ण इतने दयालु कि उनकी सभी भक्तियों की भावनाओं को समझते हुए उनके आंसुओं को भी अपनी आंखों में स्थान देकर उन्हें सम्मानित करने वाले वो नारायण का ज्ञान जब उद्धव को हुआ, तो उन्हें सच में समझ आया कि ब्रह्म ज्ञान एक तरफ है और ब्रह्म ज्ञान से उपजी भक्ति से उपजा इनका कर्म ये एक तरफ है, और उसके बाद स्वयं उद्धव उन सब भक्तांगनाओं के लिए, यानी कि उन सब गोपियों के लिए उनकी चरण वंदना में लग गए। तो ये बात सीखने और समझने वाली है कि चाहे कर्म भक्ति के लिए क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो कर्म ही है जो आपको भक्ति मार्ग पे भी लेके जाएगी, तो वो कर्म तो तब भी करना पड़ेगा, उसके बिना तो आप छूट सकते नहीं है। सर आपने बहुत ही क्या इतनी बढ़िया बात की है कि मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए कि भक्ति योग कैसे कर्म योग से रिलेट कर दिया आपने, कि गोपियां अथाह प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, वो पूरी की पूरी डिवोट एक तो समर्पित थी कि जो है कृष्ण है, जैसा है कृष्ण है। शायद मैं उनमें से खुद को भी एक गोपी मानती हूँ कि मेरे लिए जो है कृष्ण है, जैसा है कृष्ण है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने प्रेम की बात कर ही दी है, तो सबसे जिस प्रेम का महत्व संसारिक दुनिया से भी परे है, राधा कृष्ण का प्रेम, अब जब जो लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं उन्हें इतना पड़ा होगा, वो जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा, उन्होंने वो अपनी लोग कहते हैं ना कि कई नॉर्मल हमारी लाइफ में ब्रेकअप होते हैं कि हम नहीं बन रही तो छोड़ देते हैं या गिव अप कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने स्वेच्छा से उन्हें छोड़ा था कि वो इतने बड़े कर्म योगी थे, उन्हें ये लगा कि मेरे जीवन का, जितना मुझे समझ आया, मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। मैं जितना मैंने राधा के साथ समय बिताया इतना बहुत था, जितना था बहुत बढ़िया था, अब मुझे इससे आगे जाना चाहिए और कर्म करना चाहिए। तो इस पर क्या टेक है आपका? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये एक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ा, अगर आप इसे दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन यदि आप एक दृष्टिकोण और डेवलप करें कि राधा कौन है, राधा है कौन, हाँ जी, तो आपको समझना होगा राधा के लिए वर्ड यूज होता है श्री, वही श्री जो यूज होता था, वो श्री यूज होता है माँ सीता के लिए भी। जब आप हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं तो एक दोहा हम पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ ये श्री कौन है, यहाँ श्री कौन है, यहाँ ये श्री सीता है, ये सीता मैया है, ये श्री क्या है? ये श्री है उद्धव, ये उद्भव जिसको हम कहते हैं उद्गम होना, तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये तीन वर्ड हैं, ये तीनों चीज डिफाइन करती हैं जीओडी यानी कि जनरेटर, उद्भव यानी कि जनरेट करना, किसी चीज का उद्गम होना, यस राइट, स्थिति यानी कि ऑपरेटर और संहार कारिणी यानी कि जो हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर। तो ये तीनों का प्रतिरूप सीता हमको राम जी के साथ मिली और ये तीनों का प्रतिरूप राधा श्री कृष्ण के साथ में है। तो ये राधा और कृष्ण ये अलग है ही नहीं, राधा और कृष्ण एक हैं, कृष्ण और राधा कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि राधा कृष्ण की वो शक्ति हैं
जो विष्णु के लिए लक्ष्मी है, तो आप इस बात को समझें कि वो ही उद्धव स्थिति संहार कारणी है। तो इसलिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अलग हुए, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक क्यों ना ही हो पाए, क्योंकि ये तो पहले से एक थे। समझे कि जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण और राधा पहले से ही एक है, उन्हें संसारिक जीवन में एक होने, एक आकर एक होने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ श्री कृष्ण की जैसे हमने बात की, कर्म की बात की हमसे, हमने राधा कृष्ण की बात की, हमने गोपियों के प्यार की बात की। अब मैं चाहूँगी जैसे श्री कृष्ण को हर कोई, जितने भी स्पीकर रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर रह गए या कोई भी अपने जीवन में जहाँ भी मोटिवेशन चाहता है, वो भगवद गीता को पढ़ता है या श्री कृष्ण के ज्ञान को पढ़ता है। आजकल बहुत से फॉर्म में श्री कृष्ण के दोहे या उनके कई बातें मिल जाती है। तो मेरे नज़रों में श्री कृष्ण दुनिया के सबसे, आप सबके नजरों में भी होंगे, सबसे बढ़िया स्पीकर वही थे। तो उन्होंने, मैं भगवत गीता में उन्होंने एक बात अर्जुन को सिखाई कि सबसे पहले युद्ध जीतने से पहले, मतलब युद्ध भूमि में युद्ध जीतने से पहले जीत जरूरी है आपके मन के अंदर। आप अपनी मन की भूमि में अगर युद्ध जीत जाते हैं तो आप रणभूमि में भी युद्ध जीत जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो मन भूमि में कैसे युद्ध जीते, प्लीज हमारे युवाओं को बताइए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया का कोई भी युद्ध रणभूमि में बाद में, पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। जब हम अपने मन भूमि का युद्ध जीत लेते हैं तो रणभूमि का युद्ध ऐसे जीता जाता है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भी तो अर्जुन को मन भूमि का युद्ध जिताने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा था, उसके मन की शक्ति जागृत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कैसे लड़ना है इसका स्किल थोड़ी ना दी है, अर्जुन का माइंडसेट बनाया है। अर्जुन जो मन से हारा हुआ था तो अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए प्रेरित किया, ये भगवत गीता में भगवान ने किया। तो मन से युद्ध जब जीता जा, जब जीत लिया जाता है तो कर्म भूमि का युद्ध, रणभूमि का युद्ध जीतना सुगम सरल अपने आप बन जाता है। अर्जुन को प्रेरणा देनी पड़ी गांडीव उठाने के लिए, लेकिन उसको चलाने की प्रेरणा उसमें स्वयं से थी। तो रथ में सारथी बने कृष्ण, आप मान लीजिए आप सबके जीवन के भी सारथी। आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक विश्वास, उसकी पराकाष्ठा अपने परमात्मा पे करनी होगी। हम में से बहुत लोग मैम ये कहते हैं कि वो आस्तिक हैं, वो भगवान पे बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन मेरा उनकी आस्तिकता में एक बड़ा सवाल। हर वो व्यक्ति जिसका विश्वास अपने परमात्मा पे डगमगाता है वो कभी भी आस्तिक नहीं हो सकता है। और परमात्मा कौन है जी? आपने भगवान किसको देखा है? हमारे वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंतर आत्मा में परमात्मा है। अगर आप सही मार्ग पे हैं, सही इंटेंट के साथ चलते हैं, सही कार्यों में लगे हैं, तो परमात्मा की ताकत आपके अंतर में विद्यमान है। अब अपनी मन की शक्ति पर भरोसा नहीं करना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमात्मा की ताकत पर अविश्वास करना। यदि आप परमात्मा की शक्ति पर अविश्वास कर रहे हो तो इस दुनिया में कभी आप जीत ही नहीं सकते। और ये मैं किस बात को बोल रहा हूं? अपने मन की ताकत पर भरोसा नहीं करने को। यदि आप अपने मन की शक्ति पर डाउट करते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरत अंदाज में भगवद गीता में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, कि संशय आत्मा, संशय आत्मा, संशय आत्मा यानी डाउटफुल सोल, राइट? डाउटफुल सोल का विनाश होता है। भगवान यहां भी नहीं रुकते, वो कहते हैं ना इस लोके ना परा, यानी इस लोक में और दूसरे लोक में, हर लोक में विनाश होता है। तो किसका विनाश होता है? संशय आत्मा का, डाउटफुल सोल का। इस तरह से समझते हैं, आप में से काफी लोग ड्राइव करने के शौकीन होंगे या हाईवे पे गाड़ी चलाते होंगे, तो आपने कई लोग कई बार एक्सीडेंट होता देखा होगा। किन का? कुकुर का। सबसे ज्यादा जिनका हाईवे पर एक्सीडेंट होता है वो डॉग्स होते हैं। क्यों होता है जी? इसलिए होता है कि जब डॉग्स हाईवे के बीच में आ जाते हैं तो वो मेन बीच में आकर, सेंटर में आकर के क्या सोचते हैं? आगे जाऊं पीछे आऊं, आगे जाऊं पीछे आऊं, आगे पीछे, आगे पीछे के चक्कर में गाड़ी आती है और उसे ऊपर पहुंचा देती है। तो देखिए व्हाट द सीन इज, अगर आप अपनी जिंदगी में डाउट क्वेरी का भरमार लेकर के अपनी सफलता के पाथ पे जाओगे, अपने मन को बार बार ब्लेम करोगे, मैं यूजुअली ऐसे कॉल करता हूं EBC, एक्सक्यूजेस ब्लेम्स एंड द कंप्लेंट्स, अपने आप पर बार बार सफलता क्यों नहीं आएगी के बहाने बनाना, ब्लेम अपनी असफलता का कारण किसी और को बताना, एंड कंप्लेन क्रिटिसिज्म बेमतलब का, ये क्रिटिसिज्म और कंप्लेन लोगों के लिए करते रहना,
तो ये तीनों भी इसी स्थिति से पैदा होता है जब आपका अपने आप पर भरोसा नहीं होता। यू नीड टू होल्ड वन सिंगल थिंग विच इज योर ऑन सोल, सोल ऑफ अलमाइटी, परमात्मा की सोल है, आपका मन उसमें बसता है। और आप यदि अपने थॉट लिए हुए, अपने सोचे हुए विचारों पर भरोसा नहीं करेंगे तो इस दुनिया में मान के चल लीजिए आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। अपने मन को यू नो कंट्रोल नहीं कर पाना या उस पर डाउट करना भगवान पर डाउट करने के बराबर है। तो अपने मन पर भरोसा सबसे पहली कुंजी है कामयाब होने की। अब ये कौन कर सकता है? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो आस्तिकता की चरम सीमा पर है। जैसे अपने भगवान पर पूरा यकीन है कि यदि मैं मैदान में उतरा हूं तो मेरे कृष्ण मेरे सारथी हैं, और यदि मेरे कृष्ण मेरे सारथी हैं तो मेरी जीत सुनिश्चित है। तो जिसे अपनी जीत सुनिश्चित लगती है उसका आत्मविश्वास अपने आप ही प्रबल और प्रगाढ़ हो जाता है। मैं एक बहुत खूबसूरत सा भजन है जुबिन नौटियाल ने गाया है और मनोज मुंतशिर ने उसे लिखा है। मैं उसकी बीच के कुछ पंक्तियां मैं बोल के, मैं उतना अच्छा गायक तो नहीं, मेरी आवाज बहुत ही बुरी है, लेकिन मैं जैसे भी आपके सामने उसके वर्ड्स मीनिंग समझ आया, उसके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्स ये कहते हैं, कान लगा कर बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। क्या कह रहे हैं कि भगवान सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा लेता है, और ये इतिहास मतलब हिस्ट्री है, इसीलिए कहा गया कान लगाकर बातें सुन ले, सबसे प्यारे भक्तों की ही भगवान परीक्षा लेता है। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यदि आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, बाधा आ रही है, तो आपने विघ्न बाधाओं को लेकर के भगवान के पास जाके ये नहीं कहना वाई मी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैं क्यों, मुझे क्यों चुना, मेरे साथ ऐसा क्यों। जबकि आप अगर अपने भगवान पे भरोसा करते हो तो यह कहना ट्राई मी, उसे कहिए कि हे कृष्ण, आपने मुझे चुना, मैं गौरवान्वित हूं और मैं आपकी इस अद्भुत परीक्षा में 100% पास होकर के दिखाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट दैट, यू नीड टू थॉट आउट ऑफ दिस। यही विचार है, आप इसे कैसे ले रहे हो। जब आपका यह विचार और आपका यह थॉट और आपका विश्वास अपने भगवान पर प्रगाढ़ होगा तो आप मान करके चल लीजिए कि आपकी तरक्की को दुनिया में कोई होने से रोक ही नहीं सकता। सर इसमें बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही है कि वाई मी, ट्राई मी, मतलब कि हमेशा कंप्लेंट नहीं करनी है कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जबकि आपको थैंकफुल होना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कोई बात नहीं, आप मेरे को दोबारा से ऐसी सिचुएशन में डालिए जैसे मैं आपको निकल के दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं हीरो वही कहलाएगा, परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ेगा। कंफर्ट जोन में रहकर उस तरह की परिस्थितियां आएंगे नहीं, आप एक नॉर्मल जीवन जिएंगे और जीकर चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, आपके सामने समस्याएं आएंगी, आप देखेंगे कि उनसे निकलना कैसे है, तभी तो जैसे हम अर्जुन होंगे उस टाइम और सारथी बन के कृष्ण आएंगे संभाल लें। तो बहुत ही अच्छी बात कही सर। मैं जैसे अभी अपने ना विश्वास की बात है कि अपने मन में विश्वास होना चाहिए, तो जैसे मैं, मेरे दर्शक भी जानते हैं कि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु भी करती हूँ, और मैं जब उनसे रेमेडीज वगैरह करवाती हूँ तो मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ कि आप विश्वास रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए, उस परमात्मा विश्वास रखिए कि आप जो काम चाह रहे हैं वो हो जाएगा, बट आपको उसके लिए विश्वास बना के रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी बहुत बिलीव करती हूँ और बहुत ज़्यादा अपनी केस स्टडीज में यूज भी करती हूँ। एब्सोल्युटली राइट। तो मैं इस विश्वास रखने में मानती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास रखते हैं ना तो आप उसको बोल रहे हैं, बोलने से ज़्यादा लिखने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो इसमें लिखने का क्या महत्व है, मतलब जैसे यूनिवर्स, आपको भी पता होगा यूनिवर्स हमारी बातें, मैं नहीं कहूँगी सुनता है, यूनिवर्स वाइब्रेशन को समझता है, जो हम चाहते हैं। जैसे मैं हर बार शाहरुख खान का वो डायलॉग बोलती हूँ कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं सारी दुनिया, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने लग जाती है, तो मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ उसकी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम मैं बहुत मानता हूँ। अफर्मेशंस एंड द मैनिफेस्टेशंस, ये दो ऐसे कमाल के वर्ड्स हैं और ऐसी टर्म्स हैं जिस पर यदि आप ईमानदारी से प्रयास प्रयत्न करते हैं और इसको अपने जीवन की डेली रूटीन लाइफ की प्रैक्टिस का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में हर असंभव को संभव करने में आप कामयाबी हासिल करते हैं। अफर्मेशन के लिए भी वही बातें आपको अफर्म करनी होती हैं जो आप कि वाइब्रेशन का हिस्सा बननी है, और लिखना इसमें सबसे प्राइमरी की है। हाँ जी। क्योंकि जब आप किसी बात को लिखते हैं तो आप उसे पक्का करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपको किसी रिलेशनशिप में कोई ट्रबल है और आपको उससे बाहर निकलना है, अगर उसे अच्छा करना है,
तो आकर्षण का नियम यह भी कहता है कि आपके पार्टनर, साथी, दोस्त या आपके बिजनेस पार्टनर जिसके भी साथ आपका संबंध खराब होने की स्थिति में, आप उनके बारे में अच्छाइयां लिखना चालू कर दीजिए, उनकी गुड लिस्ट बनाइए। अगर आप उनकी गुड लिस्ट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मन में उनके प्रति अच्छी भावनाएं आने स्टार्ट हो जाएंगी और वही भावनाएं वाइब्रेशन के रूप में प्रकृति में जाएंगी और वाकई आपके वो संबंध अच्छे होने लगेंगे। सिमिलरली अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई भी आपकी दोस्त है और आप वाकई चाहते हैं आपका संबंध अच्छा हो तो वही वाइब्रेशन आप फ्लोट करना शुरू करिए, यू विल सी ये होना स्टार्ट होगा। कोई भी टर्म हो, मैंने ये रिलेशनशिप की बात की। सिमिलरली ड्रीम्स, हम हमारे फाउंडेशन वर्क में, बिजनेस वर्क में प्रैक्टिस करते हैं जी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीन प्रकार के ड्रीम्स हम युवाओं को लिखने के लिए बोलते हैं कि तीनों ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए और ड्रीम्स इमोशनल कनेक्ट के साथ होने चाहिए। क्योंकि यदि आपने सिर्फ ड्रीम लिख दिया तो प्रकृति यूजर मैनुअल की तरह काम नहीं करेगी, उसमें आपके इमोशंस क्या डले हैं वो जब ऐड होता है तब जाकर के वो आपके भावनाओं से जुड़ा है और चूंकि वो ड्रीम पढ़ के आपके इमोशंस वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो प्रकृति उस भाषा को सुन रही है, जैसा कि आपने कहा। अब आप उस पर यदि डेट डाल देते हैं तो वो टारगेट बन जाता है। अब जब वो टारगेट बन गया तो आप सोचिए वही रिटर्न गोल आपके लाइफ को गोलफुल बनाने में, मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेगी। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जिनके पास है बड़ा गोल और दूसरे जिनका जीवन है गोल गोल। तो यदि आप ये टारगेट नहीं बनाते, रिटर्न में अपनी अफर्मेशंस नहीं लिखते, अपने लक्ष्यों को नहीं लिखते, आपको क्या बनना है आपकी लाइफ में उसका आपके पास रिटर्न कोई फंडामेंटल आपके पास प्रोसेस नहीं है तो आप मान के चलिए योर प्लानिंग इज फॉर फेलियर। अ ब्यूटीफुल कोट इज, इफ यू डिडंट प्लान फॉर सक्सेस इट सिंपली मींस योर प्लानिंग इज फॉर फेलियर। हर कामयाब व्यक्ति सफलता के लिए योजना बनाता है और बाकी और कुछ नहीं करते। इसमें भी मैं कहूंगी कि प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Absolutely कुछ right. भी आपका गोल है, एक होता ना आजकल का युवा हो गया या बड़े लोग भी हो गए, मैं युवा की बात करूंगी क्योंकि आप युवा को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि गोल डिसाइड कर लेते हैं, उनका टारगेट भी है बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना उन्हें पता ही नहीं है। इसके लिए स्टेप क्या करने है, आपने सब कर लिया, उसके बाद प्लानिंग भी तो करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे भी तो बढ़ना है और क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। तो मैं तो कहूंगी उनको भगवत गीता जीवन में एक बार अवश्य जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा और सर से भी मिले, सर के सेमिनार्स अटेंड करें, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर मैं जब हम भगवत गीता की बात कर ही रहे थे तो मुझे उससे एक और सार मिलता है कि हमारा जीवन हमारी चॉइसेस पे डिपेंड है। यस एब्सोल्युटली राइट। सुख हो, दुख हो, सम्मान हो, अपमान हो, मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन हो, हम जिस चीज को जो चीज चॉइस कर रहे हैं मतलब सारा का सारा चॉइस बेस्ड ही है। Absolutely right. क्योंकि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले दुर्योधन को भी चॉइस दी थी कि आप पांडवों को 5 गांव दे दे और युद्ध नहीं होगा, बट उन्होंने right. वो बात नहीं मानी। सेम जब युद्ध स्टार्ट हो गया तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को फिर चॉइस दी थी कि आप मेरी नारायणी सेना ले लीजिए या मुझे ले लीजिए, उन्होंने दुर्योधन ने तब भी नारायणी सेना को सिलेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमारी चॉइस ही हमारे ग्रोथ का कारण भी बनती है और हमारे सर्वनाश का कारण भी बनती है। एब्सोल्युटली राइट। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि चॉइसेस, कामयाब लोग कुछ बड़ा काम नहीं करते, सक्सेसफुल पीपल आर मेक सक्सेसफुल चॉइसेस एंड देयर चॉइसेस विल लीड्स टुवर्ड्स द सक्सेस। सफल लोग सफल चॉइसेस बनाते हैं और वही चॉइसेस उनको कामयाबी की ओर ले जाती हैं। अब वो चॉइस कैसे आती हैं? आपको ये बात मान के चलना है कि जब भी आप कोई चॉइस लेते हैं तो आप परमात्मा की शक्ति से इन्फ्लुएंस होकर चॉइस बनाइए, आपकी जिंदगी में चॉइसेस गलत नहीं होंगी। पता है होता क्या है, जब हम ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन हम उस ईश्वर को अपने जीवन में हर कहीं वो भगवान है ऐसा फील नहीं करते। हम सोचते हैं जब मैं मंदिर जाऊंगा या मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो मेरा भगवान देख रहा है, लेकिन जब हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या हम कोई ऐसी एक्टिविटी में लगे जो हमें लगता है कि यार ये नहीं भगवान को पता चलनी चाहिए तो हम छुपा के करने का प्रयास करते हैं। और यही उदाहरण आता है जब द्वित क्रिया के लिए बुलाया गया पांडवों को, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शन था। जैसे उन्होंने मामा शकुनी को आगे किया वैसे युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को आगे कर सकते थे, लेकिन वो तो वो द्वित भगवान कृष्ण से छुपा के करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण को पता चले कि हम ये खेल रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या कि भगवान को आपके बारे में जानकारी नहीं है? तो ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जब कोई चॉइस बना रहे हैं, अगर वो गलत है या आपको लगता है सेंसिबिलिटी के साथ कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की आवाज
बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ईश्वर की आवाज होती है, और हमें फील हो रहा होता है कि ये मुझे नहीं भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं क्योंकि उस समय शायद वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वही हमारे लिए दुविधापूर्ण स्थिति बन जाती है। आप सिर्फ हर समय परमात्मा को अपने मन में धारण करके उसकी प्रेरणा से यदि कोई काम करेंगे तो आप मान के चलिए आपकी हर चॉइस सफल चॉइस बनेगी। ये तो हुआ, चॉइसेस लेनी कैसे है, वो डिसीजन कैसे लेना है, मन की आवाज में परमात्मा को धारण कर लीजिए, आप हमेशा सही डिसीजन ही बनाएंगे, लेकिन लेना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिए, जब अगर कोई डिसीजन बना लिया तो उस डिसीजन पे शंका नहीं करना। फिर रतन टाटा कहते हैं, आई नेवर बिलीव टू टुक अ राइट डिसीजन, आई जस्ट टेक अ डिसीजन मेक देम इट राइट। मैं कभी भी सोच समझ के फैसले नहीं करता, मैं बस फैसला करता हूँ और उसको सही बना के दिखाता हूँ। तो जब आपने भगवान की प्रेरणा से कोई फैसला कर लिया है तो अब भगवान की प्रेरणा से ही अपना समर्पण पूरा निष्ठा भाव से उस पर दे दीजिए और आप देखिएगा कि आपको वही अच्छे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोच करके किया था। लेकिन चॉइसेस ही हैं जो आपको जीवन में उन्नति और प्रगति तक लेके जाती हैं। मौका सबको मिलता है, लेकिन वो मौका आपको कब कैसे कहाँ मिलेगा ये विश्वास परमात्मा पे रखना है, लेकिन उस मौके को भुनाऊंगा मैं कैसे ये विश्वास खुद पे रखना है। इसी के साथ मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, ध्रुवी अंबानी के बारे में आप सबने सुना होगा। मैं आपको फकीर चंद के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली कहे जाते हैं ध्रुवी अंबानी के साले साहब, जिन्होंने ध्रुवी के साथ में काम तो शुरू किया था, लेकिन बीच में जब वो असीमित प्रगति के लिए विचार लिए तो इनको लगा भय आ गया, इनको लगा कि यार ये तो डूब जाएगा, और उन्होंने पीछे से बैक फॉरवर्ड कर दिया, अपने पैर पीछे हटा लिए और क्रिटिसाइज करने लगे अंबानी को। इसलिए कहा जाता है कि कामयाबी के सफर के लिए गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ एक ट्रेन चलती है, बहुत लोग बैठते हैं उसमें, बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर नाम का, बहुत लोग वहां उतर जाते हैं और वो पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए एक लाइन है, गूगल पे कही गई है, फकीर चंद, ये नाम बदला हुआ है, उनके साले साहब का नाम दूसरा है, लेकिन इस बात में वाक्य में इस बात को समझाने के लिए ये नाम है। तो ध्रुवी फकीर चंद की ये बात है, तो कहा जाता है, ना ही कोई भाग्यशाली ना ही कोई अभागा, ना ही कोई भाग्यशाली ना ही कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमका जोहे नींद से जागा, कड़ी मेहनत हिम्मत और ताकत जो कोई अपनाएगा, पग पग पर बिखरे हैं मोती खोज वो ले जाएगा, मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, पर कर जाते कुछ नादानी जो ना समझे वो फकीर चंद और जो समझे वो अंबानी। वाह वाह वाह, क्या बात कही है सर, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि गरीबपुर से एक ट्रेन चलती है अमीरपुर के लिए और बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर। होशियारी बहुत ज़रूरी है हमारे, मतलब इवन आपने बात की कि हमारे डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम किस तरह से अपनी चॉइसेस को रखते हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर, वो हमारे लिए आगे फ्यूचर में किस तरह काम करेगी। सर इतनी मैंने कृष्ण से रिलेटेड बातें कर ली, कृष्ण भगवान का मुझे मेरा पता है, आपके जीवन में क्या रोल रहा है उनका, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरी जीवन की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रेरणा स्वयं साक्षात योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और मतलब जब मैं बहुत बाल्यकाल में था तो मुझे किस्सा याद है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हवन हुआ करते थे, यज्ञ होते थे, तो जब हम अगले दिन उससे बाहर होते तो मेरे दादाजी हमको पास बुलाते, हम छोटे बच्चे थे, और हमको 50 से 100 रुपये देते और कहते बेटा इससे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। तो अगले दिन मैंने ऐसे कुछ रुपये सेव करे हुए थे, तो मैं उन पैसों से अपने लिए जूते खरीद के लेके आया और मैं स्कूल गया, चूँकि मतलब माहौल हमारा बहुत स्पिरिचुअल था परिवार का, लोगों का दुख देखा नहीं जाता था, तो अपने स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था, उसके जूते फटे हुए थे, तो मैंने अपने जूते जो बहुत मैंने वो 50 से 100 रुपये बचा बचा के खरीदे थे ना, वो मैंने उसे दे दिए। अब जब वो शूज मैंने उसे दे दिए तो उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, अब मैं बच्चा था तो मुझे फील हुआ कि मैंने इसको जूते दिए, इसे मुझे थैंक यू नहीं बोला, इसको मुझे धन्यवाद देना चाहिए था इसको। मैं घर आया, झगड़ा करके दादाजी को बोला, दादाजी देखो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तो उसको जूते दे दिए और उसने मेरे को थैंक यू नहीं बोला। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बात समझाई, मैं आप सबको आज जरूर बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा थैंक यू उसको नहीं, थैंक यू तुम्हें बोलना था उसको। मैंने कहा मुझे क्यों बोलना था, मैंने तो दिया, ऊपर से मैं थैंक यू बोलूं? तो मुझे कहता नहीं, थैंक यू तुम्हें बोलना था उसको, इसलिए कि उसने तुम्हें मौका दिया ईश्वर का काम करने का। जो हाथ किसी की मदद करते हैं
वो अपना नहीं, वो परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। तो उसने तुमको अवसर दिया कि तुम ये भगवान का काम करो, और इसलिए तुम्हें उसको थैंक यू बोलना था। अब ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी प्रेरणा जब मेरे दादाजी मुझे बताते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से प्रेरित करके समझाते थे। तो इसके साथ रोल था कृष्ण सुदामा की दोस्ती का, कि जब बड़ा एग्जांपल है कि जब सुदामा उनके द्वार पे आया तो भगवान नंगे पैर भागे चले गए, और उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो चावल खाते खाते तीनों लोग उसके नाम करने चले थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण है। तो जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहें तो ईश्वर से प्रेरणा लें, यदि उन्होंने आपको काबिल बनाया है, लायक बनाया है, तो ये आपके दो हाथ भगवान के हाथ हैं कि आप किसी का काम कर सके, किसी के लिए सेवा कार्य कर सके। मेरा ये भी मानना है कि हमारी बॉडी की संरचना देखें, ये उस ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत संरचना है। कंधे कंधे मिले हैं, कदम कदम साथ हैं, कंधे कंधे मिले हैं और कदम कदम साथ हैं, पेट करोड़ों भरने हैं पर उससे दोगुना हाथ हैं। तो ये दो हाथ क्यों दिए, कि एक आप अपना काम करें, दूसरे से कुछ समाज के लिए कर दें। यू नीड टू रिटर्न टू समथिंग योर सोसाइटी। आपके समाज ने आपको ये नाम दिया, मेरा नाम सागर कसेरा है, ये कसेरा जो मैं लगाता हूँ गर्व से, ये मेरी कम्युनिटी से मिला है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी ने मेरे को कुछ दिया है, अपना सरनेम दिया, उसके लिए कुछ कर दूं। ये देश, जिस देश को मैं गर्व से बोलता हूँ मैं भारतीय हूँ, उस भारत के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये जब जीवन का उद्देश्य बनता है तब आपका जीवन उन्नत होता है। और ये सारी की सारी प्रेरणा स्वयं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से आती है। जब आप उन्हें अपना प्रेरणा पुंज बनाते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। सर सही में श्री कृष्ण भगवान का बहुत महत्व है आपके जिंदगी में। जैसे श्री कृष्ण से जब मेरे को याद आता है ना कि उनसे तो बचपन से ही हर चीज दूर ही गई है। एक होता है इंसान होता है कि मैंने एक संवाद सुना था ऐसे कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे बचपन से ही मेरी माँ से अलग कर दिया गया, मुझे मेरे पिता का नाम नहीं दिया गया और मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध होकर युद्ध लड़ना पड़ा, तो मेरा इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। तो श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि मैं तो जो जन्म लिया था मैं उसी कारागार, मतलब कारागार के अंदर ही मैंने जन्म लिया, उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। उसके बाद जब मैं अपना, मतलब पहली सांसें ले ही रहा था, मुझे मारने के लिए पल पल पर राक्षस भेजे गए। उसके बाद मुझे अपने ही प्रेमी को, मतलब अपनी ही प्रेमिका को छोड़ना पड़ा। तो मैं ये कहूँगी उन्होंने तब भी उस जीवन को संघर्षपूर्ण नहीं बोला है। वो उसमें पूरा, जितना हमने आजकल भगवद गीता में एक होता है ना पिक्चराइज फॉर्म में हमें जितनी दिखाई गई है, हमें इतना समझ आया वो हमेशा मुस्कुराते रहे। Absolutely right. वो हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहे। Absolutely right. वो कहते नहीं मैं देख लूंगा, जो भी है मैं कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये उनका उन पर खुद पर ही विश्वास था जिस, जो कृष्ण को कृष्ण बना दिया। Absolutely right. तो मैं इसी बात के साथ ऐड करना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान के बेहतरीन कमाल के चरित्र से यह बात सीखने वाली है कि परिस्थितियां चाहे महाभारत की क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की क्यों ना हो, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। आप दुनिया के सबसे खुश से भी खुश व्यक्ति बने। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप दुनिया के सबसे उत्साहित से उत्साहित, खुश से खुश आप व्यक्तित्व की संरचना अपने जीवन में करते हैं। परिस्थितियां आपके चरणों में पड़ी होती हैं जब आप भगवान कृष्ण के कैरेक्टर को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ना वो दृश्य, जब कालिया नाग का भगवान ने दमन किया है तो कालिया नाग जैसी महान विषकारी मुसीबतों के सर पर भी नृत्य करना, तो ये जो कला है ये भगवान कृष्ण से सीखने मिलती है। ये कला इस बात का परिचायक है कि जीवन में परिस्थितियां आपके विरुद्ध विपरीत कितनी क्यों ना हो, लेकिन आपका चरित्र मुरली की मधुर धुन की तानों पर नृत्य करने वाला होना चाहिए, आप जीवन की सारी समस्याओं से पार पा जाएंगे। वाह सर, जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो मैं चाहूंगी आप युवाओं को इतना मोटिवेट करते हैं तो हम अब हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे सामाजिक रूप से, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाएं, कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप इन्हें? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अभी मैंने ऑलरेडी कहा कि आपका प्रयास होना चाहिए कि ये जो जीवन आपको मनुष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा और आशीर्वाद से मिला, आप इसे व्यर्थ क्यों ही न जाया होने दें। आप अपने आप को देखें, एक मिनट गौर करें और सोचें, आपके माता पिता ने जब पहली बार आपको सृष्टि संसार में लाने की परिकल्पना करी होगी
तो उन्होंने बड़े ख्वाब सजाए होंगे आपके लिए। आपकी माँ ने असंख्य विवरण नहीं करने वाला शायद दर्द महसूस किया होगा जब आप इस सृष्टि या धरती पर आए होंगे। कहते हैं कि यू नो एक यूनिट होती है दर्द की जिसको बोलते हैं डेल, और यदि 2 या 3 डेल यूनिट दर्द किसी साधारण व्यक्ति को हो जाए ना तो वो परमात्मा को प्यारा होने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो 8 से 9 यूनिट डेल पेन उसको होता है। इतना दर्द उस माँ ने हमें इस धरती पे लाने के लिए कहा। हमें इंसान का योनि मिली जो मनुष्य की योनि परमात्मा की सबसे समतल मानी जाती है। ऐसी योनि में आकर के यदि आप अपने यू नो इस जन्म को सार्थक नहीं कर पाए तो ये व्यर्थ है। और इसे व्यर्थ हमें करना क्यों है? क्योंकि जब आप इस धरती पे हुए तो आपका चेहरा दुनिया का सबसे यूनिकेस्ट चेहरा था। यहाँ तक कि आपकी आवाज दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जो जिस आवाज में आप रोए वो दुनिया की सबसे यूनिक आवाज में आप रोए। अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए कि आपका स्व परमात्मा का है, आप ईश्वर की बीइंग है, उसके भेजे, उसके द्वारा बनाए, उसकी संतान है। तो आप साधारण हो ही नहीं सकते। ईश्वर की कोई भी कृति साधारण नहीं है, असाधारण है आप लोग। आप मान के चलिए, अगर मैं इस बारे में समझाऊं तो ईश्वर ने हर मनुष्य को बनाने के लिए एक डाई बनाई है और उसका निर्माण करने के बाद उसको तोड़ दिया है। वो डाई रिपीट ही नहीं होती है। आपके आई रेटिनास, आपके थंबप्रिंट्स सबसे अलग है। अभी मैं क्यों बोलना चाहता हूं कि हम अपने स्व को जागृत करें। यदि हमने अपने आप को जागृत कर लिया तो आप मान के चल लीजिए आप इस दुनिया में उतना बड़ा कर जाएंगे जो शायद आपकी सोच से भी परे है। और आपका यह जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो सब कर लेंगे। ये 3 चीजों से ऊपर उठने के बाद ही इंसान को इंसान होने के मायने समझ में आते हैं। जब आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठते हैं तब आपको समझ में आता है कि इससे भी बड़ी दुनिया है। मेरे पापा बचपन में हमारे यहाँ पानी के नल आते थे, तो जब नल आते थे तो घड़े हम भरते थे। तो पहले हम सारे अपने घड़े भरते थे जी, फिर पापा बोलते थे बेटा अब अपने भरा गए हैं ना, अब तुम पड़ोसियों को बोल लो कि पानी बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो ये भी ले लें। तो आप किसी की मदद या भला कब कर पाओगे? तब जब आपके घड़े में भर पल्ले पानी होगा और बहता होगा तो किसी की मदद कर पाओगे। लेकिन भावना रख कर इससे शुरुआत करिए और देखिए कि आप लोगों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। और यकीन मानिए कुछ करने का प्रयास करना है तो एक प्रयास यहां से भी हो सकता है। भगवान कृष्ण की बात हो रही है, प्रेरणा के पुंज हैं। आज मुझे लगता है कि हम अपने देश में यदि एक संकल्प उठाएं, हम सब मिलकर के एक संकल्प उठाएं, एक बीड़ा उठाएं कि हम योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चूंकि प्रेरणा के पुंज हैं तो उनसे ये बात सीखें कि अपनी सराउंड में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। यदि कोई आपसे आकर के कहता है कि भाई मैं ये करना चाहता हूं तो उसकी टांग पकड़ के उसको गिराएंगे नहीं, उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, उसे ऐसे उदाहरणों से उसका कान खराब नहीं करेंगे, उसका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे जो उदाहरण उसे डीमोरलाइज करने वाले होते हैं कि वो नहीं कर पाया था, ये नहीं कर पाया था, इससे नहीं हुआ था, उससे नहीं हुआ था। इसके बजाय यदि आप कुछ कर सकते हैं तो प्रेरणा देने का काम करिए। आपकी वो प्रेरणा की ताकत, आपका वो एक सपोर्टिव हाथ उसके कंधे पर, आपको खुद नहीं पता उसका जीवन कितना कमाल का बना सकता है। अगर हम ये छोटा सा भी काम कर पाए तो हमें समाज को, अपने देश को दुनिया की तीसरी क्या पहली इकोनॉमी बना के दिखाएंगे। और इसमें आप सबका योगदान बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया सर। हमारे कार्मिक कृत्य की ऑडियंस आज सोच रही होगी मतलब सच में हमें एक कर्म योगी से बात करने का मौका मिला है कि हमें उपाय तो सब लोग बताते हैं लेकिन कर्म कैसे करना है वो सर ने हमें बताया। तो थैंक यू सो मच सर कार्मिक कृत्य पे आने के लिए, हमारी ऑडियंस को इतना समुचित मतलब इतना ज्ञान देने के लिए। मैंने आज आप पर श्री कृष्ण की बातें की हैं, आपने हमारे ही दूसरे चैनल पर डॉन टॉक्स पर शिव जी से रिलेटेड कितनी बातें की, मतलब क्या आपके अंदर ज्ञान का भंडार है। हम बार बार चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर आइए और हमारी ऑडियंस का मार्गदर्शन कीजिए। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कार्मिक कृत्य कर्मों का चैनल है जिसपे हम अकल्ट की बात करते हैं, सामाजिक कर्मों की बात करते हैं, धर्म अधर्म की बातें करते हैं और जिसका फोकस हमेशा हमारा कर्म ही रहता है। तो कार्मिक कृत्य कर्म करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द ऑडियंस ऑफ कार्मिक कृत्य। खूब मेहनत करिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप लोगों के जैसा। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।